हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिर्फ फॉर कार्स। और भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 19,20,000 में ये चमचमाता हुआ ब्लैक एडिशन में स्कोडा कुशाक और ब्लैक कलर और क्रोम फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी चमचमा रही है। और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील बढ़िया वाले मिल जाते हैं सिल्वर टोन में, क्रोम फिनिशिंग के साथ प्रॉपर ग्रिल मिलता है और फ्रंट का जो लुक है पूरा प्रॉपर प्रोटेक्टेड वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। जो LED सेटअप है फ्रंट में मिलता है, जैसे कि इसको कोडियाक बोला जाता है। प्रॉपर फ्रंट से जो आप देख सकते हैं मिनी कोडियाक वाला आपको फील मिलेगा इस गाड़ी में। ग्रिल की और बात की जाए तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगा, ये प्रॉपर जो है क्रोम वर्क किया गया स्कोडा का लोगो। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी मिलता है, जैसे आजकल कोई की गाड़ियों में फॉग लैंप भी हटा दिया गया, लेकिन नहीं भाई, स्कोडा वाले बोल रहे हैं कि आपको फॉग लैंप हम देंगे गाड़ी में विथ स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग के साथ प्रोजेक्टेड हेडलैम्प के साथ मिलता है ये चीज़। फ्रंट की ओर देखें तो यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग में बढ़िया सा जो है बम्पर पार्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए अलग से एक स्पेस टाइप से बना के दिया गया है मस्त। बाकी गाड़ी की साइड लुक की और आए, साइड लुक में आते ही आपको बॉडी आर्क क्लैडिंग मिल जाता है ब्लैक टोन के साथ। ये आपको मैट फिनिशिंग बॉडी आर्क क्लैडिंग बढ़िया लग रहा है। ठीक, फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और उसके साथ टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 205/55R17 यहाँ पे आपको नए स्टाइल का अलॉय व्हील भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा फ्रंट की ओर आया तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग जगह जगह मिलेगा। साइड में आपको खाली फेंडर में आपको स्कोडा की बैजिंग दोनों साइड में मस्त तरीके से दिया गया। अगर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग का भी दिया गया चारों डोर हैंडल्स में। ORVM की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल, फोल्डेबल, एडजस्टेबल सब कुछ इलेक्ट्रिकली मिलने वाला है। यार गाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा अगर स्पॉइलर की बात आती है, रूफ रेल्स की बात आती है तो ये वर्किंग नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन स्कोडा वाले ने यहाँ पे आपको रूफ रेल्स प्रॉपर वर्किंग दिया गया है। वर्किंग इन द सेंस की प्रॉपर गाड़ी में फिटेड है कि आपको प्रॉपर एक्चुअल वर्किंग जो है इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। भारी से भारी भरकम वजन भी ये सह सकते हैं। ठीक, क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि डोर गार्निशिंग में यहाँ पे आपको बढ़िया सा ब्लैक कलर करके आ रहा है गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 188mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बहुत बढ़िया निकल के आती है। सब 4 मीटर के अंदर अंदर की गाड़ी है ये। 50 लीटर का इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिलने वाला है और एज सच कुछ भी नहीं है। तो भाई DEF का कोई सिस्टम है नहीं क्योंकि दिस इज नॉट अ डीजल गाड़ी, ये आपको प्रॉपर नेचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो चार्ज जो इंजन आपको मिलता है गाड़ी निकाल के देती है। ठीक, ये आपको प्रॉपर जो है LED टेल लैंप मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैं देखा हूँ यार, स्कोडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उसका टेल लैंप का जो शेप है आपको सिमिलर मिलता है, चाहे वो आप कुशाक लें, चाहे आप ये फ्लाविया लें और चाहे आप कोडियाक लें, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टेल लैंप का शेप साइज मिलता है। साइज तो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू गाड़ी, लेकिन शेप जो है काफ़ी सिमिलर मिलता है। तो ये आपने देखा गाड़ी का रियर लुक, और रियर लुक से ऐसा कुछ नज़र आती है। इसमें आपको मिलेगा 4 पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा जो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। 360 कैमरा नहीं आता है, आपको अगर लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं गाड़ी में। तो बाकी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, और इंटीरियर से मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का प्रेजेंस और कैसा बढ़िया निकल के आ रहा है। तो भाई जैसे कि आपने बाहर से गाड़ी देखा ब्लैक कलर में चमचमाती हुई मस्त लग रही है बाहर से गाड़ी, वैसे इंटीरियर में भी आपको ब्लैक और ग्रे कलर में डुअल टोन इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में। ठीक है, थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट सिस्टम। ये आपको 10.5 इंच का मिलता है, ये आपको 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ठीक, ये सब कुछ पूरा का पूरा डिजिटल है। यहाँ भी आपको मस्त तरीके से मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, और यहाँ पे आपको जो है 6 एयरबैग गाड़ी में मिल जाता है। यार ये 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है ना, बहुत ही बढ़िया लेदर रफ फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है। और क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी हेडलैम्प के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए और हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको जगह जगह जो है सॉफ्ट टच मिल जाता है। चाहे डोर पैनल्स की बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं उस साइड भी आपको मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। 6 स्पीड DSG मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है कुशाक में अगर आप जाते हैं तो। ठीक, आपको बाकी वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वही आर्मरेस्ट स्लाइडेबल बढ़िया सा स्पेस के साथ आपको, और ये आपका कप होल्डर मिल जाता है। की भी रखने के लिए यहाँ पे आपको इजिली
पूरा सिस्टम बना के दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी जो है परफेक्ट निकल के आती है 19,20,000 रोड प्राइस में, आपको बढ़िया सब मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, 5 सीटर के हिसाब से फीचर लोडेड, जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स प्रॉपर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर के टोन में आपको मिल जाता है मस्त, दोनों साइड ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाता है। और यहाँ पे साउंड सिस्टम की बात करते हैं, स्कोडा साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको क्या लावा ब्लू एडिशन जो अभी लेटेस्ट आया है और ब्लैक एडिशन जो लेटेस्ट आया है वो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। वो कलर भी बहुत ही प्यारा है यार गाइस। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले वायर्ड वाला सिस्टम मिलेगा, बाकी स्कोडा कनेक्ट वगैरह इजीली आप कर सकते हैं, जो कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा व्हीकल से रिलेटेड। यहाँ पे आपको TPMS के तौर पर अगर बात करूँ, प्रॉपर TPMS तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको TPMS के गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन से आपके टायर में प्रेशर कम है। ठीक, ये आपका क्रोम फिनिशिंग, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा क्रोम फिनिशिंग भी दिया गया, बाकी जो टोन बैठ रहा है बहुत ही मस्त तरीके से बैठ रहा है। ठीक, कूल ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से, बाकी फोकस LED या केबिन लैंप आपको गाड़ी में मिलते हैं, वैनिटी मिरर के साथ नहीं आता है ये चीज़, ऑनली टिकट होल्डर मिलेगा, को ड्राइवर में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा विदाउट लाइटिंग। ये चीज़ फोकस लाइट वाला मेरे को बढ़िया लगा। अब रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में भी मिल जाता है, इस साइड में अपन देखें तो रियर में चलेंगे तो दिखाऊंगा। और एक चीज़ सनरूफ भी आपको प्रॉपर गाड़ी में डिसेंट साइज का जो कि बढ़िया है वो आपको सनरूफ भी मिल जाता है गाड़ी में, यहाँ से आपको कंट्रोल दिया गया है। फ्रंट से हो चुका और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया, IRVM जो ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलता है। ठीक, गाड़ी में ये हमने देखा और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रूफ़ की बात करें तो यहाँ पे आपको इस कलर का रूफ मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक, ये हमने देखा, अब चलता है रियर की और रियर से दिखाता हूँ कि गाड़ी में आपको कितना स्पेस मिल जाता है। भाई कुशाक की ना, ये मेरे को एक अच्छी खास बात लगी, जो डोर खुलता है ना काफ़ी वाइड ओपन होता है, जिससे ना चढ़ने उतरने में इजी होता है। ठीक, जैसे कि मैं गाड़ी में बैठूं और स्पेस की बात करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेगरूम वाइज अगर देखें तो गाड़ी में बढ़िया प्रॉपर थाई सपोर्ट के साथ आपको लेगरूम मिल जाता है। और यहाँ पर आपको रियर स्पेस की ओर आए तो यहाँ पे आपको AC वेंट मिलता है, 2 Type-C सॉकेट, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि LED केबिन लैम्प दिया जाता है, 3-3 हेडरेस्ट विद आर्मरेस, और प्रॉपर जो है आपको ऐसा कुछ केबिन प्रेजेंस मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, ये रहा रियर से गाड़ी, और गाड़ी यार अंदर से ना बहुत ही प्यारी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाती है डैशबोर्ड में, और एज सच और भी कुछ नहीं है, पूरा बेसिक है। और फ्रंट से देखो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक, अब चलते गाड़ी के बूट की ओर। बूट की ओर आते तो बूट में आपको यहाँ 385 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। और एक चीज़ बताऊँ यार, गाड़ी में आपको साउंड सिस्टम के साथ यहाँ पे आपको वूफर भी ऑफर किया जाता है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि सब वूफर भी ऑफर किया जाता है स्पेयर व्हील के अंदर, तो आपको मिल जाता है गाड़ी में। यार स्पेस वाइज जो रियर है, स्पेस वाइज जो बूट है काफ़ी बढ़िया है, आपको डीप बूट भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है रियर के सीट्स में। ये अपना किट वर्क प्रॉपर तरीके से, और ये फर्स्ट एड बॉक्स जो आपको दिया गया, ये एटलीस्ट LED देना था, हैलोजन नहीं देना था। यहाँ पे आपको ये दिया, बाकी प्रॉपर तरीके पार्सल टे, और फिनिशिंग जो है बढ़िया सा मस्त वाला सॉफ्ट फिनिशिंग दिया गया है पार्सल टे में। अगर बात करें तो ये पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको बूट बंद करने के लिए कलर में ना क्रोम का फिनिशिंग जो है ना काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। और जैसे कि आपको देख सकते हैं कि क्रोम फिनिशिंग में स्कोडा की बैजिंग मिल रही है, कुशाक की बैजिंग, और ये मकड़ी भाई साहब कहाँ से आ गए पता नहीं, ये आपको प्रॉपर क्रोम वाला पट्टी मिल जाता है, डिफॉगर वाइपर, और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ स्पॉइलर भी मिल जाता है बढ़िया तरीके से, शार्क फिन एंटीना इस तरीके से आपको मिल जाता है। बाकी का जो 1 लीटर इंजन है, और आपको 1.5 लीटर इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक, जैसे कि आपको बताऊं स्कोडा का फेमस वही आपको नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो इंजन 3 सिलेंडर 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आपको निकाल के देता है कितना, 113 BHP और 178 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ठीक, ये रहा गाड़ी का साइड लुक। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।